हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका एक डीजे रिमिक्स यूट्यूब चैनल है, उस पर डीजे सॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, तो ऐसे में आपका यूट्यूब चैनल मोटाज होगा या फिर मोटाज नहीं होगा। जब हमारा यूट्यूब चैनल मोटाज हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर डीजे सॉन्ग रिमिक्स वाले वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल मोटाज होगा या फिर मोटाज नहीं होगा। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका डीजे रिमिक्स यूट्यूब चैनल है तो आपका यूट्यूब चैनल मोटाज होगा या फिर मोटाज नहीं होगा, या फिर क्या करें, आप किस टाइप की वीडियो बनाएं जिससे आपका डीजे रिमिक्स यूट्यूब चैनल मोटाज हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और आप भी अपना यूट्यूब चैनल मोटाज करवा सकते हैं अगर आपका डीजे रिमिक्स यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि अगर आपका डीजे रिमिक्स यूट्यूब चैनल है और किसी दूसरे के यूट्यूब जो वीडियो होते हैं, पितरी सांग होते हैं, उनको अपने यूट्यूब चैनल पर सांग रिमिक्स करके अपने चैनल पर डालते हैं तो ऐसे में आपका यूट्यूब चैनल मोटाज होगा या फिर मोटाज नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यूट्यूब के कुछ पॉलिसी होती है, कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, यानी कि आप किसी दूसरे का जो वीडियो होता है या फिर सांग होता है उसको आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरा का जो वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे वो कॉपीराइट कंटेंट होता है, ऐसे में उस वीडियो का जो ऑनर होगा वो आपके यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो के ये आपको चैनल पर कॉपी स्ट्राइक दे सकता है। ठीक है, कुछ के वीडियो पे जो कॉपीराइट आता है तुरंत आता है, लेकिन कुछ का जो होता है वीडियो वायरल हो जाता है 10,000 20,000 या 1,20,000 पहुंचने के बाद ही उनके यूट्यूब चैनल को स्ट्राइक मिल जाती है। तो ऐसे में यूट्यूब चैनल जो होता है डीजे सॉन्ग रिमिक्स वाले यूट्यूब चैनल मोटाज नहीं करता है यूट्यूब। अब ऐसे में अगर आपका यूट्यूब चैनल डीजे सॉन्ग से रिलेटेड है तो आपका यूट्यूब चैनल मोटाज होगा या फिर मोटाज नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी सॉन्ग को रिमिक्स करते हैं, उसमें वीडियो में दिखाते हैं कि आप सॉन्ग को किस तरह से रिमिक्स करें, लोगों को सिखाते हैं, तो सबसे पहली बात कि आप उस वीडियो जो सॉन्ग है उसको आप म्यूट कीजिए। पहले तो आप उसको मिक्स कर लीजिए, ठीक है। मिक्स करने के बाद में आप सॉन्ग को म्यूट कर दीजिए, उसकी आवाज़ को बंद कर दीजिए। फिर आप जो पैटर्न बना रहे हैं, जो आपने पैटर्न बनाया है उसको लोगों को दिखाइए कि आप ने इस पैटर्न को बनाने के लिए कौन कौन से लूप्स का आपने यूज किया है। जैसे किक है, ढोलक है, परक्यूशंस है, हिट हैट है, ठीक है। बेस लाइन का आपने यूज कैसे किया है, बेस लाइन किस तरह से आपने इस सॉन्ग में मिक्स किया है, किस तरह से आपने बनाया है, किक का आपने पैटर्न किस तरह से बनाया है, ढोलक का पैटर्न आपने किस तरह से बनाया है, ब्रेक पैटर्न आपने किस तरह से बनाया है, इस तरह से आप लोगों को बताइए। केवल आप बीट सुनाइए, सॉन्ग को आप पूरी तरह से म्यूट कर दीजिए, थोड़ा भी ना सुनाइए, क्योंकि कॉपीराइट टूल्स की वजह से अगर आप किसी भी का थोड़ा सा भी अगर आप सॉन्ग यूज कर लेते हैं 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का, तो तुरंत कॉपीराइट टूल्स में मैच कर जाता है कि आपने कितना सॉन्ग यूज किया है, फिर कितना वीडियो का आपने पार्ट कितना भी यूज किया है, अपने यूट्यूब वीडियो में मिक्स किया है, तो तुरंत वो पकड़ लेता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको पूरा सॉन्ग नहीं सुनाना है। कभी कभी लोग करते क्या है, पूरा सॉन्ग रिमिक्स करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं तो ऐसे में उनका यूट्यूब चैनल मोटाज नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल रिजेक्ट भी हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट हुए हैं। अगर आपका डीजे रिमिक्स यूट्यूब चैनल है तो आप लोगों को सिखाइए, ठीक है, कि किस तरह से आपको सॉन्ग को मिक्स करना है, किस तरह से आपको सॉन्ग का बैकग्राउंड रिमूव करना है, बैकग्राउंड जो म्यूजिक होता है, किस तरह से आपको सॉन्ग की मास्टरिंग करनी है, किस तरह से आपको पैटर्न बनाना है, ब्रेक पैटर्न बनाना है, ढोलक पैटर्न बनाना है, ठीक है, इस तरह से लोगों को बताइए। अगर आप इस टाइप का अगर आप वीडियो बनाएंगे तो 100% आपका यूट्यूब चैनल मोटाज होगा, ठीक है, 100%। लेकिन अगर आप सॉन्ग रिमिक्स करके पूरा पूरा वीडियो अगर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल मोटाज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में मैंने आपको बता दिया हूँ कि किस तरह के आपको वीडियो बनाने हैं जिससे आपका जो डीजे सॉन्ग रिमिक्स यूट्यूब चैनल है वो मोटाज हो जाए। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।